आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ टूटी फ्रूटी की रेसिपी, जिसे आज हम कच्चे पपीते से बनाएंगे। ये केक में, आइसक्रीम में या फिर बहुत सी ऐसी स्वीट रेसिपी है जिसमें इसे हम यूज़ करते हैं। ये कलरफुल होने के कारण बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं और ये घर पे बनाना बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप इस रेसिपी को एंड तक देखिएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसे हम कैसे बनाते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपीज़ आप सबको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर लें, ताकि मेरे जितने भी न्यू रेसिपीज़ आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। टूटी फ्रूटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लगभग 400 ग्राम कच्चा पपीता लिए हैं, जिसे हम अच्छे से छील लेंगे। उसके बाद इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो पहले इसे हम बीच से इस तरीके से कट करेंगे और इसके अंदर जो भी सीड्स होते हैं और सॉफ्ट वाले जो पोर्शन होते हैं उसे भी हम काट के निकाल लेंगे। सेम प्रोसेस से ही हम सारे पपीते में से बीज को इसी तरीके से काट के निकाल लेंगे और इसके अंदर जो सॉफ्ट वाला पोर्शन होता है उसे भी हम कट करके हटा लेंगे। मैंने यहाँ पे सारे पपीतों को इसी तरीके से काट के रेडी कर लिए हैं। तो अब इसके हम छोटे छोटे टुकड़े काटना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग थोड़े से बड़े या फिर छोटे पीसेस कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ के टूटी फ्रूटी बनाए हैं, तो उसके लिए इसी तरीके से हम क्यूब में इसे कट कर लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। सेम प्रोसेस से सारे पपीतों को इसी तरीके से छोटे छोटे पीसेस में काट के रेडी कर लेंगे। मैंने यहाँ पे पूरे पपीते को काट कर रेडी कर लिए हैं। तो अब इसे हम थोड़ा सा बॉईल करेंगे। तो उसके लिए एक बर्तन में पानी गर्म करेंगे। पानी में जब एक बॉईल आ जाए तो कटे हुए पपीते को हम इसमें बॉईल होने के लिए डालेंगे। फ्लेम को यहाँ पे हम हाई रखेंगे और इसके बाद पपीते को हम एक बार ढक देंगे और ढककर इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा उबाल लेंगे। यहाँ पे पपीते को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा इसे हम उबाल लेंगे। पपीता को उबालते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, तो ढक्कन हटा के इसे हम एक बार चला लेंगे और तुरंत ही यहाँ पे फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे और उसके बाद इसमें से जो भी एक्स्ट्रा वाटर है उसे हम निकाल के पपीते को छान के अलग कर लेंगे। मैंने यहाँ पे सारे पपीतों को पानी में से निकाल कर अलग रख लिए हैं। इसके बाद हम शुगर सिरप रेडी करेंगे। तो उसके लिए एक बर्तन में लगभग 300 ग्राम शुगर लेंगे। साथ ही में इसमें हमने जितना शुगर लिए हैं उतना ही पानी ऐड करेंगे। 400 ग्राम पपीते के लिए हम यहाँ पे लगभग 250 से 300 ग्राम शुगर यूज़ करेंगे और जितना हम शुगर लेंगे उतना ही पानी भी ऐड करेंगे। यहाँ पे फ्लेम को ऑन कर देंगे और शुगर को हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे। शुगर भी पानी में अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो उसके बाद हमने जो पपीते को बॉईल करके रखे थे इसमें इसे हम डालेंगे। फ्लेम को यहाँ पे हम अभी हाई रखेंगे। जब इसमें एक बॉईल आ जाए तो फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे हम ढककर लगभग 10 से 12 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। शुगर सिरप में पपीते को पकाते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं, तो एक बार ढक्कन हटा के इसे हम चेक कर लेंगे। तो बस एक बार इस तरीके से चला लेंगे, उसके बाद फिर से ढक देंगे और इसे अभी हम और पकने देंगे। पपीते को पकाते हुए 12 मिनट हो गए हैं, तो आप देख सकते हैं कि पपीता जो है वो बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। इससे ज़्यादा इसे हमें नहीं पकाना है। यहाँ पे फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे और चाशनी जो है हमारी उसे हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है और ना ही इसे हमें बहुत ज़्यादा पतला रखना है। अगर चाशनी बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो ठंडा होने के बाद इसमें क्रिस्टल आने लगेंगे। तो बस यहाँ पर फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। टूटी फ्रूटी को कलरफुल बनाने के लिए इसमें हम फूड कलर यूज़ करेंगे। साथ में आपको जो भी फ्लेवर चाहिए आप उस फ्लेवर के इसमें एसेंस डाल सकते हैं। मेरे पास वेनिला था तो मैंने वेनिला यूज़ किए हैं। आपको जो भी पसंद हो और या फिर आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो यूज़ कर ले। पपीता जो है वो थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, तो इसमें मैंने लगभग 1/4 टीस्पून वेनिला एसेंस ऐड किए हैं। आप चाहे तो इसमें कोई भी एसेंस नहीं यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो कलर के अकॉर्डिंग डिफरेंट एसेंस यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इन सभी को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पे टूटी फ्रूटी के लिए 3 कलर यूज़ किए हैं।
आपको जितनी कलर की भी टूटी फ्रूटी बनानी है उसके अकॉर्डिंग आप अलग अलग कटोरी ले लें और उसके बाद उसे इक्वली पार्ट में आप डिवाइड कर लें। मैंने यहाँ पे 3 कलर यूज़ किए हैं और एक मैंने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट रखे हैं। तो आपको जितने भी कलर के चाहिए इसके अकॉर्डिंग ही आप इसे इक्वली पार्ट में बांट लें या फिर क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे शुगर सिरप को हम फेंकेंगे नहीं बल्कि उसके साथ ही इसे हम डिवाइड करेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद इन सभी में हम कलर ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे रेड कलर यूज़ किए हैं, साथ में मैंने ग्रीन कलर भी यूज़ किए हैं और उसके साथ ही मैंने ऑरेंज कलर यूज़ किए हैं। एक मैंने प्लेन रखे हैं। आपके पास जितने भी कलर हो या फिर आपको जो भी कलर पसंद हो वो कलर आप यूज़ कर सकते हैं। इन सभी कलर को हम एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं और इस तरीके से इसे हम थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे ताकि जितने भी टूटी फ्रूटी हैं वो शुगर सिरप में अच्छे से डिप हो जाए। सभी कलर को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम बिल्कुल इसी तरीके से 20 से 22 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि कलर जो है वो पूरे टूटी फ्रूटी के अंदर तक एब्जॉर्ब कर सके। ये करना बहुत ही ज़रूरी है, अगर आप इसे पहले निकाल देंगे तो टूटी फ्रूटी के अंदर वो कलर नहीं आ पाएगा। तो इसे बिल्कुल इसी तरीके से 20 से 22 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें। टूटी फ्रूटी को कलर में डिप किए हुए 20 घंटे हो गए हैं तो आप देख सकते हैं कि टूटी फ्रूटी के अंदर तक सारे कलर जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर गए हैं। तो अब इन सभी को हम शुगर सिरप में से अलग निकाल कर रखेंगे। तो इसके लिए छलनी की मदद से जो भी एक्स्ट्रा शुगर सिरप है उसे हम अलग कर लेंगे। इसके बाद जब इसमें से शुगर सिरप अलग हो जाए तो इसे हम टिश्यू पेपर पे निकाल कर रख लेंगे। आप चाहे तो किसी भी छलनी का या फिर कपड़े का यूज़ कर सकते हैं और इसे हम थोड़ा सा अलग अलग कर लेंगे ताकि इसे सूखने में आसानी हो। बाकी के भी सारे टूटी फ्रूटी को बिल्कुल इसी तरीके से हम छलनी से छान लेंगे और इसे अलग करके टिश्यू पेपर पे या फिर किसी भी कपड़े पे निकाल कर रख लेंगे। उसके बाद इसे हमें लगभग 5 से 6 घंटे के लिए पंखे के नीचे वाले हवे में सुखाना है जब तक कि इसके ऊपर जो भी शुगर सिरप है वो ड्राई ना हो जाए। तो बस सेम प्रोसेस से हम सारे टूटी फ्रूटी को इसी तरीके से छान के अलग रख लेंगे और इसे हम पंखे के हवे में 5 से 6 घंटे के लिए सुखा लेंगे ताकि ये ऊपर से ड्राई हो जाए। सेम प्रोसेस से मैंने सारे टूटी फ्रूटी को शुगर सिरप से अलग करके छान के अलग रख लिए हैं और इसे हम ड्राई होने के लिए पंखे के हवे में रख देंगे। और जो भी शुगर सिरप बच जाते हैं कलर वाले इसको आप शरबत में यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी ऐसी रेसिपी जिसमें आप कलर यूज़ करते हैं केक वगैरह उसमें आप इसे यूज़ कर सकते हैं। 6 घंटे बाद टूटी फ्रूटी जो है वो पूरी तरह से यूज़ करने के लिए रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। बस जब भी आप इसे हाथ पे उठा के देखें तो आपको ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं लगना चाहिए, तो आप समझ जाए कि ये पूरी तरह से रेडी हो चुका है। टूटी फ्रूटी को बनाने में प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा लंबा है लेकिन इसे बनाना बहुत आसान है और ये बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। आप इसे केक में, आइसक्रीम में या फिर बहुत सी ऐसी स्वीट रेसिपी है जिसमें आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स, अगर मेरी आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।